एनर्जी ड्रिंक मार्केट डिसरप्टर स्टिंग, जिसने सिर्फ 4 सालों में ना तो सिर्फ इन पॉपुलर ब्रांड्स को दबोचा है, बल्कि पेप्सी को का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बन गया। स्टिंग के सामने पेप्सी कोला, माउंटेन ड्यू और गैटोरेड तो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पेप्सी को का पहला एनर्जी ड्रिंक है, बल्कि इससे पहले एएमपी एनर्जी, रॉकस्टार एनर्जी ड्रिंक, सोबी, बट स्टिल स्टिंग के समय ऐसा क्या हुआ कि पूरी कहानी पलट गई, इसको जानेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। रेड बुल, मॉन्स्टर ड्रिंक, चार्ज्ड, क्लाउड 9, इतने पॉपुलर एनर्जी ड्रिंक होने के बावजूद भी स्टिंग ने सिर्फ 4 सालों में 50% मार्केट को दबोच लिया। कभी सोचा कैसे? वहीं पर वियतनाम में से पॉपुलर होने में 20 साल का समय लग गया। एक्चुअल में ना ये सब कुछ भारत में पॉसिबल हो पाया इन 4 एडवांटेजेस की वजह से। नंबर 1, ब्रांड रेजोनेंस मॉडल। कोई भी कंपनी ना तभी कस्टमर्स के साथ कनेक्ट कर पाती है जब वो इस पिरामिड को फॉलो करती है, जिसका पहला पिलर है ब्रांड सेलियंस, मतलब किस रीजन की वजह से लोग खरीदने से पहले तुम्हारे ही प्रोडक्ट के बारे में सोचे। जैसे कि स्टिंग, जो कि एनर्जी ड्रिंक मार्केट में है ना, इसको पीने से हमें एनर्जी और किक मिलती है। नाउ सेकंड पिलर है ब्रांड परफॉर्मेंस। ब्रांड की परफॉर्मेंस कैसी है, कैसे ब्रांडिंग की है उन्होंने प्रोडक्ट की, कितना यूनिक टेस्ट है। लाइक रेड बुल और मॉन्स्टर ड्रिंक का जो टेस्ट है काफी सावर है, वहीं पर स्टिंग का टेस्ट काफी फ्रूटियर है। नाउ नेक्स्ट है ब्रांड इमेज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप है कि कैसे कंपनी हमें स्टोरी बताकर कन्वे कर रही है कि प्रोडक्ट को खरीदना ही चाहिए। जैसे इसकी मैं बहुत प्यारी एग्जांपल देती हूँ, जब कोका कोला कंपनी ने भारत पे एंट्री करनी थी ना, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को हैप्पीनेस से जोड़ा था। जी खुशी है, खेलते रहो, खुश रहो। उसी तरीके से स्टिंग अपने आप को एनर्जी से जोड़ रहा है। नाउ नेक्स्ट पिलर है जजमेंट एंड फीलिंग। उस ब्रांड की कैसे स्टोरी टेलिंग थी जिसके बाद हम उसे कनेक्ट कर पा रहे, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसको ना आप इस क्लिप से ज्यादा अच्छे से समझोगे। ओ जगराते वाली, जल्दी राखी बांध बांध यार प्लीज। सुबह सुबह जाके ग्राउंड खोलता है क्या? पापा इसका गिफ्ट दो ना। पापा एक मिनट, इसके लिए पैसे कहाँ से आए? थे मेरे पास, पर उससे तो अपना बैट लेने वाला था ना। पुराने बैट पे 3-4 सेंचुरी बाकी है। नाउ लास्ट पिलर इज ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट कितना भी धमाकेदार हो, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी के बिना वो बिल्कुल जीरो है। नंबर 2, ब्रांड रिकॉलमेंट। इसके लिए ना स्टिंग ने काफी क्लेवर तरीके का इस्तेमाल किया है। ये लिफ्ट फिर खराब हो गई, मैं लिफ्ट दे दूं। 10th फ्लोर स्टिंग एलडी 8401-900-900। जिसको समझने के लिए ना पहले आपको इस क्लिप को देखना होगा। आपने नोटिस किया कि उस गर्ल ने अपना नंबर दिया और ब्रांड चाहता भी था कि लोग इस पर कॉल करें और हम उनको बताएं कि कैसे स्टिंग उनको पावर अप कर सकता है, कैसे उनकी एनर्जी सेव कर सकता है। और लिटरली ऐसा ही हुआ। ब्रांड को 48 आवर्स में 40,000 कॉल्स आए। इसलिए स्टिंग के जितने भी पॉपुलर एड्स हैं, आप उनको ध्यान से देख लो, जिसमें अक्षय कुमार एज अ ब्रांड एम्बेसडर है, हर एक में ना किक दी गई है एनर्जी की, एक्साइटमेंट की, किसी को इम्प्रेस करना, पावरफुल की। और एज अ यंगस्टर हमें और क्या चाहिए, चाहिए ना टेस्ट। जहां पर रेड बुल और मॉन्स्टर ड्रिंक प्रीमियम मार्केट में ऑपरेट करके हमें खट्टा और तीखा सा टेस्ट दे रहे हैं, वहीं पर स्टिंग लेकर आता है ट्विस्ट टेस्ट में, स्वीटनेस और फ्रूट फ्लेवर्स लाकर। और हम सब ऑडियंस को ज्यादा ऐसे ही फ्लेवर्स पसंद होते हैं। इसी रीजन की वजह से स्टिंग ज्यादा वाइडर ऑडियंस को टारगेट कर पाती है, प्लस इनका प्राइस भी कम था। इसे ही हम कहते हैं मास मार्केट सेगमेंट। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइसिंग। यहाँ पर ना कंपनी के पास काफी मेजर एडवांटेज है डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि पेप्सी को वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट फूड एंड बेवरेज बिजनेस में, और वो अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग भारत में वरुण एंड बेवरेजेस कंपनी की हेल्प से करता है। तो इट मींस स्टिंग की प्रोडक्शन तो सॉर्टेड है, और वेरी इंपॉर्टेंट, छोटे से छोटे स्टोर से लेकर बड़े से बड़े सुपर मार्केट में जहाँ पर पेप्सी है वहाँ पर स्टिंग है। इसीलिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस आर्टिकल के अकॉर्डिंग स्टिंग आज भारत के 3 मिलियन आउटलेट्स में प्रेजेंट है। चलो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन तक ठीक है,
बट हम सब भारतीय लोगों के लिए कुछ भी खरीदने से पहले सबसे ज्यादा कंसर्निंग फैक्टर होता है प्राइस, जिसको ना पेप्सिको कंपनी ने काफी अच्छे ढंग से स्टडी करने के बाद ही सेट किया। पहले सेट किया 250 ml पर 50 rupees, फिर इसको और कम कर दिया, जितने में एक छोटी कोका कोला की बॉटल मिलती है ना 20 rupees में, उतना प्राइस सेट किया। वहीं पर उनके कॉम्पिटिटर रेडबुल 250 ml के लिए 125 rupees चार्ज कर रहा था। अब बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि कोका कोला कंपनी ने खुद का भी तो एनर्जी ड्रिंक चार्ज लॉन्च किया, उसका प्राइस भी सेम है, कलर भी सेम है। बट अब यहाँ पर एक चीज भूल रहे हो कि स्टिंग के पास है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। और साइकोलॉजिकली भी आप अपने सराउंडिंग में देखना कि जितने लोग स्टिंग को जानते होंगे ना, उतने चार्ज ड्रिंक को नहीं। नंबर फोर्थ, हुक्ड कंज्यूमर साइकोलॉजी। इसको ना आप एक मूवी की तरह से सोचिए कि जब भी हम कोई भी मूवी या डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो उनके डायलॉग्स कभी नहीं भूलते। उसी तरीके से ना ब्रांड्स अपनी टैगलाइन सेट करते हैं, जैसे कि स्टिंग का झटका इंस्टेंट एनर्जी, स्टिंग पियो और लाइफ का स्विच ऑन करो, एनर्जी बोले तो स्टिंग। इससे ब्रांड की इमेज ना हमारे माइंड में फिट हो जाती और अपने आप को रेडबुल और मॉन्स्टर ड्रिंक से डिफरेंशियल फैक्टर दिखाने के लिए ना स्टिंग कैन की बजाय प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल कर रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं आपको बताती हूँ कि स्टिंग की जो रेड कलर की बॉटल्स हैं वही सबसे ज़्यादा क्यों बिकती हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली ये चीज़ प्रूवन है कि रेड कलर हमारे अंदर एनर्जी, एक्साइटमेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट हंगर पैदा करता है। इसीलिए तो कोका कोला कंपनी की जो लोगो है और उनकी बॉटल्स रेड कलर में होती हैं। आपको पता है स्टिंग भारत में 2017 में आया था और अभी कितना मार्केट में वॉल्यूम शेयर है? 86%, लिटरली 86%। इसके पीछे ना तीन काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस लेसन्स हैं जो कि आपको पता होने ही चाहिए। नंबर वन, प्राइसिंग इज इम्पॉर्टेंट। नंबर टू, ब्रांड वैल्यू। नंबर थर्ड, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। क्योंकि ना पेप्सी ने पहले भी भारत में अपना एनर्जी ड्रिंक सॉब लॉन्च किया था, बट उस समय ना प्रीमियम मार्केट में जिसमें रेडबुल, मॉन्स्टर ड्रिंक काफ़ी बड़े कॉम्पिटिटर्स थे, इसलिए कंपनी का प्रोडक्ट हो जाता है फेल। बट जब कंपनी दोबारा रिट्राई करती है, इस पे प्रीमियम मार्केट नहीं बल्कि मास मार्केट, जिसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुँचाना, उसमें फोकस किया, जिसमें बन गया स्टिंग भारत का नंबर वन एनर्जी ड्रिंक। लुक, हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात कर ली, बट आजकल क्या हो रहा है कि यंगस्टर्स एनर्जी ड्रिंक की कंजप्शन इतनी ज्यादा कर रहे हैं कि वो उसके एडिक्टेड बन चुके हैं, जिनके हार्मफुल इफेक्ट्स दिखने शुरू हो गए। तो इसलिए ना अगर आपके आस पास कोई भी छोटा बच्चा एनर्जी ड्रिंक को कंज्यूम कर रहा है तो उसको ऐसा करने से रोके, क्योंकि नंबर वन इनमें काफ़ी शुगर होती है। अगर कंपनीज कहें भी ना कि हमारे प्रोडक्ट में कम शुगर है या फिर नो शुगर है, तो ना आप इंग्रेडिएंट लिस्ट को एक बार चेक कर लेना, उसमें अल्टरनेटिव शुगर सब्सटेंस का इस्तेमाल किया होगा, जिससे ओबेसिटी और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जो कि हमारे देश का ऑलरेडी काफ़ी सीरियस इशू है। नंबर सेकेंड, एनर्जी ड्रिंक के कंजप्शन से ना हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, जैसे कि US में 20,000 केसेस, जी हाँ 20,000 केसेस एनर्जी ड्रिंक्स की वजह से आते हैं। एक्चुअल में ना होता क्या है कि हमें जिस काम से रोका जाता है ना, हमें वही करना होता है। मतलब कि एनर्जी ड्रिंक बॉटल्स के ना बैक एंड में एक डिस्क्लेमर लिखा होता है, जिसमें साफ साफ मेंशन होता है कि जो बच्चों की एज 18 से छोटी है, प्रेग्नेंट वीमेन और जो कैफीन से सेंसिटिव है, वो एनर्जी ड्रिंक को कंज्यूम नहीं कर सकते। बट हो क्या रहा है, मोस्टली केसेस में जिन बच्चों की एज 18 से छोटे है वही इसको कंज्यूम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट एक्चुअल में उनके लिए बना भी नहीं है। इसलिए पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा एनर्जी ड्रिंक को कंज्यूम कर रहा है तो उसको ऐसा करने से रोकें। अगर आपको आज इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी वैल्यू मिली है ना, तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।